okay ji uh, this is uh, 20th november 2023 and uh, so we are going to start a reading section and this is the paragraph and uh, we are going to attempt this paragraph okay so students for the sake of read aloud i have uh, told you uh, in the previous lecture that there would be a, a kind of uh, uh, different variations of the letter r हम जो इंडिया वाले, बांग्लादेश वाले, पाकिस्तान वाले आर बोलते हैं, ठीक है? नेटिव speakers आर नहीं बोलते, दे pronounce इट आ. This is a fundamental problem of of listening that they pronounce it आ and we pronounce it आर and specially Punjabi, uh, Punjabi of Pakistan and Punjabi of Indians they pronounce it आर. There is protesters, protesters. अब हम

not globalization it's globalization this is one of the fundamental problem of our, um, everyone who would like to improve his listening also can manage repeat sentence repeat sentence so this is the issue that when the native speakers speak like that we wouldn't be able and we are incapable of understanding all these things this is the inability ग्लोबलाइजेशन इन अट लाइटिंग सेक्रेटरी ऑफ दोलेंगे स्टेट बोलेंगे इसको States. अब हमें प्रॉब्लम हो जाएगी और हमें समझ नहीं आएगी ओके जी तो यहाँ पे जरा यहाँ पे देख के बताएंगे सबसे पहले क्या करना था find sentence. Find sentence, तो okay, इसमें हमारा पहला सेंटेंस कहां तक है so लेकिन अगर आप रियलिटी में सीखना चाहते हैं हकीकत में आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं हकीकत में आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने ये चीजें मस्ट सीखनी है और ये सीखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप इंग्लिश के एक और ही लेवल पर और इंग्लिश के एक और जहान में चले गए हैं वे यू वुड हैव अ ग्रेट ग्रिप एंड ग्रेस्पिंग एबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश नॉट ओनली इंग्लिशिंग की बातें हैं इससे आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज भी स्ट्रांग होगी हाँ किसी की पंजाबी है हाँ किसी की पश्तो है हाँ किसी की हिंदी है और हिंदी के अंदर भी आगे इंडिया के अंदर बहुत सारी हैं किसी की बंगाली है जो भी है ओके okay जी हमारा तो ये हो गया जो हमारा सेंटेंस जी सर इसके बाद मैंने जो दस लेक्चर्स आपको भेजे हैं उसमें से देख लीजिएगा वन वन बाय उसमें से तैयारी करें और आपको और ये वाले लेक्चर पब्लिकली अलाउड नहीं है मेरे चैनल पे ये स्पेसिफिक है जिनको मैं सेंड करता हूँ सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं ओके okay जी सेकेंड वन इज क्लॉज अब आप में से अगर किसी बंदे को ये नहीं पता कि एक क्लॉज क्या होता है तो वो वो भूल जाए कि वो राइटिंग में कुछ कर सकता है और वो भूल जाए रीडिंग में कुछ कर सकता है मुझे बताएं जी ये एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लॉज आप लोग भी समझ लीजिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड एंड क्लॉज इज नो नीड ऑफ एनी आई है याद रखिएगा पांच किस्म का सब्जेक्ट होता है पांच किस्म का सब्जेक्ट फिर क्लॉज ओके जी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करने जा रहा हूं आप लोगों को मैंने लेक्चर सेंड किया है वहां से देख लीजिएगा द पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग डिस्क कोई भी चीज जो डिस्कस की जाए उसको सब्जेक्ट कहते हैं अब यहां पर इसकी दूसरी एक डेफिनेशन है

बॉय विद रेड शर्ट एंड ब्लैक जींसिंग हमारा इसमें किस को डिस्कस किया जा रहा है अब यहां पर देखें बॉय को हम अकेले नहीं ले सकते बॉय के साथ जुड़े हुए हैं अल्फाज एंड दिस थिंग फ्रेजेज की आगे किसमें होती हैं अभी फिलहाल यहां पर मकसद ये नहीं है दिथ रेड शर्ट एंड ब्लैक जीन्स ये सारे का सारा हमारा होगा सब्जेक्ट और फिर आगे देखते हैं बाद में आगे क्या है इसके बाद एरिस ट्री डाउन तैयब बताओ भाई किसको डिस्कस किया जा रहा है ट्री को ट्री जी को जी डिस्कस जी? किया जा रहा है कि भाई वो गिर गया ब्लैक एंड व्हाइट बुक इज ऑन दी टेबल द ब्लैक एंड व्हाइट बुक इज ऑन टेबल इसमें किस को डिस्कस किया जा रहा है तो राम सर ब्लैक एंड व्हाइट बुक को इसको जी बिल्कुल इस तो इसके अंदर बुक अब अपनी जो आपकी पुरानी डेफिनेशन है ना कि सब्जेक्ट क्या होता है काम करने वाला वो वो भी ठीक है लेकिन वो इनकम्प्लीट है वो इनकम्प्लीट है इसको लेक्चर नंबर सेवन एट नाइन के अंदर मैंने उसको कंप्लीट किया हुआ है जाके देख लीजिएगा आप लोग जो है ओके अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या है द थिंग दैट इज बींग डिस्क्राइब तो यहाँ पे डिस्क्राइब किसको किया जा रहा है बुक को तो बुक यहाँ पर हो गई सब्जेक्ट अच्छा hmm. फिर आगे जी द लॉइन इज हंटेड किस को डिस्कस किया जा रहा है हमारा किसको डिस्कस किया जा रहा है लायन को जी लायन को किया जा रहा है तो लायन जो है वो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है ओके द लॉइन इज हंटेड द हंटर तो ये अब आगे चल के जो है वो देखेंगे ओके okay जी देर इज दीज टू डेफिनेशन आर मैंडेटरी एंड एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ सेंटेंस आपको याद होना चाहिए कि हम इसको पढ़ने जा रहे हैं हमने ये वाली जो है वो फिल एंड ब्लैंक्स फिल करनी है अब हम कहां पहुंचे हुए हैं तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और मेरी बातों को समझेंगे तो मैं आपको यहां तक पहुंचा दूंगा दट यू रीच दैट लेवल दैट यू मे अंडरस्टैंड एग्जैक्टनेस एंड द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ब्लैंक्स ओके तो बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं हमें रीडिंग की टिप्स चाहिए रीडिंग की टिप्स चाहिए रीडिंग की टिप्स आप उतनी देर तक नहीं कर सकते जितनी देर के। तक आपकी बेसिक्स नहीं ठीक और वो बेसिक्स ये वाली नहीं कि आपको बारह के बारह ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आने चाहिए वो एक पार्ट है बेसिकली एक बात याद रखिएगा टेंसिस दो होते हैं

पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज कंटेनिंग अ वर्ब वो वाला हिस्सा जिसके अंदर वर्ब पड़ा होता है तो वर्ब हमारे पास है ईटिंग अच्छा चले यहां पे जल्दी जल्दी जो है मैं आपको बता दूं दिस थिंग वर्ब याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हेल्पिंग वर्ब का तर्जमा ये होता है वर्ब की मदद करने वाला क्या होता है जी इरफान क्या होता है की मदद करने वाला तो ये यहाँ पर वर्ब है तो ये उसकी मदद कर रहे हैं आगे जो आने लगे ना अल्फाज और आगे सेंटेंसेस वहां पर मैं फिर आप सबसे पूछूंगा और वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा इसलिए यहाँ पे समझिएगा ओके जी क्लॉज का वो हिस्सा जिसके अंदर वर्ब पड़ा होता है और वो डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट के मुतालक तो ये वाला हिस्सा जिसके अंदर वर्ब पड़ा होता है और ये क्या कर रहा है कोई चीज समथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट सब्जेक्ट के मुतालिक हमें बता रहा है कि वो एप्पल खा रहा है नेक्स्ट वन इज द बॉय विथ रेड शर्ट एंड ब्लैक इज़ स्माइलिंग इज स्माइलिंग हमारा कौन सा हिस्सा है जिसके अंदर वर्ब मौजूद है स्माइलिंग स्माइलिंग ठीक हो गया अब वो वाला हिस्सा जिसके अंदर वर्ब होता है और वो डिस्क्राइब कर रहा होता है किस चीज को सब्जेक्ट के मतलब कोई चीज तो फिर ये वाला हिस्सा क्या हो गया ये ट्रेडिकेट. प्रेडिकेट प्रेडिकेट यू मस्ट नो दीज टू थिंग्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ रीडिंग अभी अभी ये चीज देखें मैं आपको दिखाता हूं कि मैं आपको असल में ये चीज नहीं सिखा रहा बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको समराइज रिटर्न टेक्स्ट वाले जो मुश्किल पैराग्राफ्स हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं सारे पूछते हैं कि समराइज रिजेंट टैक्स कैसे होगा ओ भाई अगर आप फॉलो करते रहेंगे मेरी इंस्ट्रक्शंस को और अगर आप मैं अगर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करवा रहा हूं तो आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगा लेकिन अगर आप कहते हैं मेरा فلا क्वेश्चन रह गया उसको कैसे करना है यह कैसे करना है दैट वुड नॉट बी द केस फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा